गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर दिस इज द मैथमेटिक्स रोज चैनल बाय साजिद अख्तर। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2 ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नाउ वी विल स्टडी ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फ्रॉम NCERT एज वेल एज अदर बुक्स। So see, question number one I have already discussed in my previous video. So please go through Mathematics Rose channel by Sajid Akhtar. You will get the video. Now, question number second says that one kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat. एक तरह का केक है, केक कुछ भी नाम ले लेते हैं। एक केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है, है ना। एंड द अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 20 ग्राम ऑफ फैट। तो मान लीजिए पहला वाला केक को हम केक ए मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला केक को मान लेंगे हम लोग केक बी। ओके, तो दूसरा वाला केक बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बन सकता है विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। 5 किलो आटा दिया हुआ है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो ही आटा है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 kg ऑफ फैट, और 1 kg फैट है। Assuming that there is no shortage of the other ingredient used in the making the cakes, तो ये हो गया क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल कितना केक बन सकता है। अगर केक दो तरह का है, पहले केक में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट, और दूसरे केक में एक केक बनाने में पहले एक केक बनाने में 200 ग्राम आटा यानी फ्लोर और 25 ग्राम ऑफ फैट की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे टाइप के केक बनाने में एक केक बनाने में 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता पड़ती है। अब टोटल नंबर ऑफ केक्स कितना बनाए, जिसमें कि दिया हुआ है टोटल फ्लोर 5 kg है और टोटल फैट 1 kg है, और जितना हम लोग लिए हैं अदर इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ होता है, उसका कोई शॉर्टेज नहीं होता है, ये दे दिया है क्वेश्चन में। तो अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेना है कि कैसे आया है। सो दिस इज Now I am coming to the question solution. Here, let number of first type of cake. या केक ए ले लेते हैं, केक ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स एक्स नंबर ऑफ एक्स, एंड लेट नंबर ऑफ ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ केक, सेकेंड टाइप ऑफ केक, सपोज द केक केक बी हम नाम दे देते, इज इक्वल टू वाई। अब बोल रहा है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हम लोग को निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी टोटल नंबर ऑफ केक कितना हम लोग बनाए, ताकि जो है कंडीशंस जो दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर जाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बन जाए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है ना,
और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस वाई होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जेड इज इक्वल टू इसको 1 दे देते हैं। इसको हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज नहीं करना है, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। नाउ अंडर द कंडीशंस, अभी कंडीशंस देख लेते हैं, या अंडर द कॉन्स्टेंट्स भी आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, एक केक बनाना है, फर्स्ट टाइप का केक, उसमें 200 ग्राम फ्लोर चाहिए, तो एक्स केक बनाने में 200 एक्स ग्राम फ्लोर चाहिए और 25 ग्राम फैट चाहिए, है ना। तो फैट हम लोग माने हैं कि ये दूसरा टाइप का केक पे, अब टोटल 25 ग्राम फैट चाहिए, और दूसरा टाइप का केक बनाने में हम लोग को 100 ग्राम फ्लोर, ये दूसरा टाइप का केक जो है उसमें हम लोग को 100 ग्राम फ्लोर चाहिए, और उसका हम लोग वाई केक मान लिए हैं। तो एक केक बनाने में 100, तो ये हो गया 100 केक बनाने में। इसके लिए अगर आप चाहें तो एक चार्ट भी बना सकते हैं इस तरह का, मान लीजिए केक केक ए ले लीजिए और केक बी ले लीजिए, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए आइटम्स आइटम्स, और यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर फॉर ईच केक ईच केक ईच केक मीन्स केक ए के लिए फ्लोर जो होगा ये 200 ग्राम, और दूसरा में आपका 100 ग्राम, ये हो गया। और फॉर ईच केक, फॉर केक ए ले लेते हैं और फॉर केक बी ले लेते हैं, इसमें फैट, इसमें पहला वाला में जो है केक ए में फैट का कितना ज़रूरत है, यहाँ पे फैट, यहाँ पे केक बी नहीं लेते हैं, यहाँ ए फ्लोर ले लेते हैं सिर्फ, और यहाँ पे फैट ले लेते हैं, है ना। नो नीड टू केक ए एंड बी हियर, हमने लिख ही दिया है। तो यहाँ पे 25, ये पहला वाला में 200 और 225 ग्राम फैट है, और सेकेंड वाले में 100 और 50 ग्राम आपका फैट है, ये हुआ है। इसके लिए समझ आएंगे, तो ये समझ गए आप। तो यहाँ पे मैक्सिमम टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पर टोटल 5 kg दिया हुआ है फ्लोर, तो 5 kg का मतलब 5 × 1000, तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, 5000 ग्राम, और यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है फैट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो गया। ये मैक्सिमम इतना ही यूज़ कर सकते हैं, 1 kg, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, मैक्सिमम हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छा से, यहाँ तक हम सेट कर रहे हैं। तो ये है, तो मैक्सिमम इतना है। तो अब कंडीशंस लगाएंगे कि क्या क्या कंडीशंस होगा। तो पहला वाला में आपका ये देखिए, एक केक बनाने में 200 ग्राम ये फ्लोर का ज़रूरत पड़ा, तो एक्स केक बनाने में 200 एक्स, और दूसरा वाला में 100 ग्राम फ्लोर का ज़रूरत पड़ा, तो 100 y हो जाएगा, 100 y, इसको देखिए ठीक से आ जाए, 100 y, ये लेस देन और इक्वल टू 5000 होगा, 5000 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, 100 से हम इसको डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन को, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू, 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 50 होगा, इसको मान लेते हैं 3,
ये कांस्टेंट हो गया 3। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं कि क्या करें। दूसरा वाला में भी उसी तरह से है, 100 ग्राम यूज हो रहा है एक ये फ्लोर एक केक के लिए, तो एक्स केक के लिए इतना हो जाएगा। मल्टी यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिएगा। और फैट जो है 50 ग्राम इसमें यूज़ हो रहा है, उसमें आपका ये 20 नॉट, इसमें आपका फैट जो है 25 ग्राम यूज़ हो रहा है पहला वाला में। पहला वाला में फैट 25 ग्राम यूज़ हो रहा है, तो 25x ले लीजिएगा। और यहाँ दूसरा वाला में 50y ले लीजिएगा। इतना टोटल फैट यूज़ हो रहा है, और फैट जो है मैक्सिमम कितना है 1000 ग्राम, ये मान लेते हैं इक्वेशन, इन इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड दोनों तरफ करते हैं 25 से, तो 25 से देखिए सब कैंसिल होगा, तो x हो गया 2y लेस देन इक्वल टू ये 40 हो जा रहा है, इसको 5 मान लेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, है ना। अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज क्लास 11 में बतलाए हैं, पूरा आपका थॉरली बतलाए हैं हमने, आप चैनल में देख सकते हैं क्लास 11 के बच्चे। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज है। एक चीज़ और भी, केक्स जो भी होगा वो नंबर ऑफ केक्स, फर्स्ट टाइप ऑफ केक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड टाइप ऑफ केक इज ऑल्सो वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी नेगेटिव में तो हो नहीं सकता है, इसलिए कि काउंटेबल नंबर होगा। तो अब हम लोग फ्रॉम 3 वी कैन राइट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब दोनों तरफ 50 से डिवाइड कीजिए, 2x बाई 50 प्लस वाई बाई 50 इज इक्वल टू 50 बाई 50 यानी 1। यहाँ पे कैंसिल हो गया, x बाई 25 y बाई 50 y बाई 50 इज इक्वल टू 1। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, x बाई 25 y बाई 50 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना 3 का, ये 3 का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। अब सेकंड है हम लोग का, फ्रॉम 5 एक्स प्लस 2 वाई, देखिए आ रहा है यानी एक्स प्लस 2 वाई इज लेस देन इक्वल टू 40। तो इसको हम लोग इक्वेशन में बदलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 40 हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे, तो ये x बाई 40, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x बाई 40, एक मिनट बार, अब दिख रहा है x बाई 40 और यहाँ पे 2x बाई 40 और हियर इज 40 बाई 40, सो 1। यहाँ पे यह कैंसिल हो गया, x बाई 40 एंड देन y बाई 20 इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये आपका इन इक्वेशन 5 का ये है, ये आप लोग को दिख रहा है। अब इसके हिसाब से अब हम लोग करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोग ग्राफ खींचने के लिए एक तो ग्राफ पेज ले लेते हैं, ग्राफ पेज में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर से ही खींचिएगा, इसलिए कि ऐसे नहीं तो आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट देगा आंसर, तो ये काम करना।
करना होगा। देखिए I am using pen, but you have to use pencil. Here we have to use the positive x-axis and positive y-axis mainly. Therefore, no need to draw more. नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड का यूज़ उतना नहीं है, उतना क्या एकदम यूज़ नहीं होगा नेगेटिव साइड का, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे x बाई 25 और यहाँ पे 40 है, तो इंटरवल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 10 का इंटरवल्स लेते हैं, 10 देन ये हो जाएगा 20, 30, 40 एंड देन देखिए दिख रहा है ना 40 देन 50, 60, तो 60 तो जा ही नहीं रहा, यहाँ पे ये 10, 20, 30, 40 50। यहाँ पे अब आप देखिए x बाई 25 तो x बाई 25 है आपका x इंटरसेप्ट, तो ये 25 हो गया, यहाँ पे 25 जीरो लिखेंगे, और y बाई 50 तो y इंटरसेप्ट है 50, तो जीरो और 50 लिख दीजिएगा, यहाँ y एक्सिस में है। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये करना है, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये स्ट्रेट लाइन मिला, तो इसका इक्वेशन हो गया क्या 2x + y = 50। अब इन इक्वेशंस जो हम लोग को करना है, तो उस इन इक्वेशंस में हम लोग को किधर सेट करें, उसके लिए ये जो है पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ओरिजिन आपका फर्स्ट पार्ट में हो रहा है, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पहला वाला इन इक्वेशन जो है वो आपका है 2x + y = 20, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट x = 0 और y = 0 होता है, तो 2 × 0 एंड देन y की जगह में आप 0 पुट कीजिएगा, < 20, तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, 0 < 20, यस, तो यस जब हो रहा है तो आपको इधर सेट करना है जिधर आपका ओरिजिन है, इधर सेट कीजिएगा, तो सेट आप जैसे मान लेते हैं हम रेड से सेड कर देते हैं, ठीक है, ये पार्ट को हमने रेड से सेड कर दिया, ठीक है, ये इसका सेट सॉल्यूशन होता है, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग करें, और एक है x is greater than 0 आपका ये पार्ट है, तो इधर अगर हम लोग सेड करेंगे, और y is greater than 0 तो इधर सेड करेंगे,
ये आपका एक्स इज ग्रेटर देन जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा वाई इज ग्रेटर देन जीरो को। तो इधर अगर हम लोग सेट करते हैं, सपोज कीजिए ये तो ग्रीन है ही, ग्रीन से सपोर्ट हम दूसरा तरह से सेट करेंगे। अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट जो इन इक्वेशन है उसमें है एक्स बाई फोर्टी, तो एक्स बाई फोर्टी है आपका यहाँ पे, तो फोर्टी जीरो हुआ, और वाई बाई ट्वेंटी, तो यहाँ पे ये ट्वेंटी हो गया, जीरो ट्वेंटी हुआ ये। अब ये दोनों को हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा हम लोग को ज्वाइन करने पर। ये दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इस दोनों को ज्वाइन करने के से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसका इक्वेशन आपका होगा, देख लेते हैं, एक्स एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर्टी। अब ये लाइन भी पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ओरिजिन तरफ का वाला पार्ट और एक तो ओरिजिन वाला नहीं है, जो और ओरिजिन से दूसरा पार्ट है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन वाला पार्ट सेट होगा। तो इसमें भी इसका इनइक्वालिटीज जो है एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू फोर्टी है, तो एक्स की जगह में जीरो ले लेंगे और वाई की जगह में जीरो। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो कोई दूसरा पॉइंट को लेंगे, तो जीरो प्लस टू इंटू जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर्टी, तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू फोर्टी, यस। ये जब हो रहा है तो उधर ही सेट करना है जिधर ओरिजिन है, यानी इसमें हम लोग को इस इक्वेशन में इधर ही सेट करना है, ठीक है, ये इधर सेट करना है। ये हम इक्वेशन लिखे हैं, इसका एरो से नहीं लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं कल, है ना। तो ये हो गया, इधर सेट करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ग्रीन कलर या कोई कलर से हम सेट कर दें, तो यहाँ पे इधर सेट करते हैं ये कलर से, इधर वाला ये। तो दोनों कलर का, लाल और ग्रीन जो है, रेड कलर और ग्रीन कलर का ये आपका पोर्शन बन रहा है ये इधर, तो ये वाला आपका सेट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब सेट सॉल्यूशन को हम पूरा कलर कर दें अगर रेड से, है ना, तो ये सॉल्यूशन होगा। तो इसमें एक पॉइंट ए इसको लीजिए और एक इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट इसको बी ले लीजिए और एक इसको सी ले लीजिए, इसको कॉर्नर पॉइंट्स बोलेंगे। इस कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा आप देख लीजिए, यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट से बी से अगर परपेंडिकुलर यहाँ डालिए